मैंने रोहित शेट्टी की सर्कस मूवी को देखा है। बेसिकली इस फिल्म में ना बहुत लंबे चौड़े स्टार कास्ट हम सबको देखने को मिलने वाली है। जैसे अपने रणवीर सिंह है, वरुण शर्मा है, जैकलिन फर्नांडिस है, और पूजा हेगड़े है, संजय मिश्रा है, और भी इनके अलावा बहुत बड़े बड़े स्टार हम सबको देखने को मिलेंगे। और मजे की बात यह है, दीपिका पादुकोण का एक सॉन्ग भी हम सबको देखने को मिलेगा, अजय देवगन की इसमें एक कैमियो भी देखने को मिलेगा। सही मजे की बात पता है कल ना बहुत सारे लोगों को ना इस फिल्म के ट्रेलर को दिखा दिया गया, जो क्रिटिक लोग हैं ना उनके इस फिल्म के ट्रेलर को दिखाया गया, और वो लोग कल से ही इस फिल्म के ट्रेलर की ना भर भर के तारीफें कर रहे हैं। वो लोग का कहना है कि आज से पहले मैंने ऐसा कोई एंटरटेनिंग ट्रेलर ही नहीं देखा, कि ये फिल्म के ट्रेलर को जब मैं देख रहा था हंसते हंसते गिर गया, लोटपोट हो गया। इस लेवल की भाई इस फिल्म के ट्रेलर की ना कल से तारीफें हो रही थी, बट आज जब भी मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखा मुझे ना वो लोग की बातों पे हंसी आ रही थी कि सच में यार अभी समोसा का वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये समोसा क्रिटिक घटिया ट्रेलर की ऐसे तारीफें कर रहे हैं, ऐसे तारीफ कर रहे हैं मानो ये मास्टरपीस कोई कॉमेडी फिल्म आ रही है। वो एक बच्चा भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखेगा ना वो बोलेगा एकदम टट्टी ट्रेलर है। सच में मैं गॉड प्रॉमिस बोल रहा हूँ यार, रोहित शेट्टी सर से ना ऐसे चीजों की उम्मीद नहीं थी। बेसिकली ये कॉमेडी फिल्म है सर्कस, और ट्रेलर देखने के बाद ना भाई कहीं भी कोई भी एक ऐसा सीन नहीं आता ना जिस सीन को देखने के बाद तुम्हारे फेस पे स्माइल आएगा। वही घिसे पिटे जो भी हम लोग 90s से जो कैरेक्टर देख चाह रहे थे वही सारे कैरेक्टर को लिए गया, सेम टोन में कैरेक्टर वो अपना डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं। तो अब ये चीजें ना ज्यादा हो गया, पता हम लोग छोटे थे तब से ऐसे कैरेक्टर को देख जा रहे हैं, भाई बड़े हो गए यार कुछ नया चीजें लेके आ जाओ रोहित सर। मुझे ये भी पता है मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू देखने के बाद ना बहुत ज्यादा लोग मेरे को गालियां देने वाले हैं। हम लोगों की ना सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है ना कि हम लोग ना भाई सच जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग के दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा डायरेक्टर और बड़ा एक्टर आएगा तो मतलब वो बेहतरीन ही फिल्म लेके आएगा। बहुत सारे लोग रोहित शेट्टी के नाम पे, रणवीर सिंह के नाम पे इस फिल्म की ट्रेलर की भर भर के तारीफ करेंगे, इनफैक्ट अभी कर रहे हैं। यहीं किसी दूसरे एक्टर या फिर दूसरे डायरेक्टर की फिल्म का ट्रेलर होता ना, जितने भी लोग ये तारीफें कर रहे हैं ये लोग ना उस फिल्म की ट्रेलर की ना भाई बैंड बजा के रख देते। बट आज बड़े स्टार की बड़े डायरेक्टर की फिल्म में है तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये लोग एक समोसा मिल गया देन खेला खत्म है भाई। पब्लिक तो चूतिया है ही, पब्लिक तो देखेगी, बट अभी के टाइम मेरे को ऐसा लगता है ना कि पब्लिक बहुत होशियार हो गई। पब्लिक को पता है अगर ये फिल्म कॉमेडी एंटरटेनर वाला फिल्म है तो कितना कॉमेडी है इसमें। बात ये है ट्रेलर में ना कॉमेडी है ना एंटरटेनमेंट है, टू बी फ्रैंक। बस हाँ ट्रेलर का एक प्लस पॉइंट मेरे को लगा है ना, लास्ट में जैसे दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है वो चीज अच्छा लगा। मेरा एक जेन्युइन रिव्यू था, तुम्हारा क्या कहना है, अपना ओपिनियन तुम लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना। चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।